तक पूरे ना हो तेरे साथ तब तक बबूनी नहीं बबुआ की ना। वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे गाइज। तो वट सावित्री पूजा की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। और ये मेरा स्पेशल लुक है, वट सावित्री लुक गाइज, जो कि मेरे चैनल पे पहली बार जा रहा है। और मेरा शादी के बाद ये मेरा पहला वट सावित्री पूजा है। तो कैसा लगा ये लुक कमेंट करके प्लीज बताइएगा। ये लहंगा मेरा शादी का लहंगा है, जो कि मेरे को हल्दी में आया था ससुराल से, ठीक है। मेरे हस्बैंड और मेरी जो ननद हैं वो परचेज किए थे जाकर के मेरे लिए। तो मुझे ये लहंगा बहुत पसंद है, इस वजह से मैं सोची क्यों ना इसको वट सावित्री पूजा में पहना जाए। ज्वेलरी मेरा ये है फ्लिपकार्ट का, लिंक मैं डाल दूंगी, अगर आप लेना चाहते हो तो प्लीज आकर के ले लीजिएगा। इस तरह से आप लुक क्रिएट कर सकते हो किसी भी पूजा में गाइज, बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही प्यारा सा लगता है, बहुत अच्छा लगता है गाइज। इस तरह से आप लुक क्रिएट कर सकती हैं। अगर आप चाहो तो साड़ी पहन रहे हो तो भी इस तरह से आप लुक क्रिएट कर सकते हो, ठीक है गाइज। मैं बहुत एक्साइटेड थी इस लुक को क्रिएट करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियस बात है यार, ये मेरा पहला वट सावित्री पूजा है, ठीक है। तो कैसा लगा आप सभी को ये लुक? मैंने बन बनाया है, आप चाहो तो बाल खुले भी कर सकते हो, लेकिन मैं बन इस वजह से बनाई हूँ क्योंकि यार शादी में क्या होता है, पूजा में ना आपको आंचल वगैरह भी लेना होता है सर से, तो बन ज्यादा सही रहता है गाइस, ठीक है। तो आप लहंगा पे कोशिश क्या करो बन ही बनाने का, चाहे गर्मियां है तो कोशिश क्या करो बन बनाने का ही गाइस, काफी ज्यादा सुंदर लुक लगता है। और मैंने सिंपल सा ही जूड़ा बनाया है, काफी सुंदर सा लुक है, प्लीज ट्राई कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो को। तो ये लुक कैसे मैं क्रिएट की हूँ, ओके। तो यहाँ पे मैंने मेहंदी लगाया थी, आप देख सकते हो मैंने मेहंदी लगाया था, खुद से ही लगाया मैंने दोनों हाथों में, मैंने किसी की हेल्प नहीं ली है, बस जैसे भी आया मैं लगा ली, ठीक है। तो एक में ज्यादा चढ़ा है कलर, एक में कम चढ़ा है, क्योंकि मैं एक को लगा करके और उसको मैं जो भी है काम धो दी थी मैं एक घंटे में, और दूसरे को मैंने रात को लगा के ही मैं सो गई थी, ठीक है, राइट हैंड में। तो वो काफी ज्यादा अच्छा कलर आया है। तो अगर आप मेहंदी लगाना चाहते हो तो प्लीज रात को ही लगाया करो यार, मुझे ऐसा लगता है कि रात को लगा के सो जाने से कलर काफी अच्छा आता है। तो यहां मैंने फेस को क्लीन करके मैं बैठी थी, मैंने यहाँ पे टोनर लगा लिया है, प्लम का टोनर मैंने लगाया। उसके बाद मैं दो मिनट के लिए मैं वेट की थी, उसके बाद यहाँ पे मैं लगा रही हूँ सनस्क्रीन, क्योंकि डे पूजा होता है, वट सावित्री पूजा दिन में ही किया जाता है गाइज, ठीक है। जो भी होता है पेड़ के पास, जो भी बड़का पेड़ के पुष्प, जो भी आप जाते हो पूजा करने के, तो काफी गर्मियां होती है, तो सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल ना भूलें, प्लीज सनस्क्रीन लगाया करो गाइज। 5 मिनट के लिए मैं वेट करूंगी, देन यहाँ पे मैं ट्रीट्री का, ये पपाया का ट्रीट्री का ऑयल है, ये मेरा सारा न्यू परचेज है, मैं इसमें जो भी प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ सारा मेरा न्यू परचेज है गाइज, ठीक है। मैंने पर्पल हॉल किया था, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाकर के देख लेना, पर्पल हॉल में मैंने सारा ये सब प्रोडक्ट को मैंने दिखाया था। तो ये मेरा ट्रीट्री का ऑयल है, काफी अच्छा है। अगर आप ऑयल लगाने के बाद फेस सीरम, ठीक है, अगर लगाने के बाद अगर आप फाउंडेशन वगैरह लगाते हो ना, तो क्या होता है कि आपका जो भी है फाउंडेशन वो अच्छे से ब्लेंड होता है और काफी ज्यादा फ्लॉलेस लुक लगता है गाइस, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि तेल लगाने से, जो भी फेशियल ऑयल लगाने से हमारे पिंपल्स निकल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपने फेस के अकॉर्डिंग चूज करोगे ऑयल तो बिल्कुल भी पिंपल की समस्या नहीं आपको होगी। यहाँ पे मैंने बायोटिक का लिप बाम लगा लिया है, क्योंकि मुझको लगाना है लिपस्टिक, वो भी लिक्विड, तो इस वजह से मैंने लिप बाम भर के लगाया है। देन यहाँ पे मैं पपाया का क्रीम लगा रही हूँ, ये भी मेरा गर्मियों में क्या है ना कि पपाया हो गया, इस टाइप का वाटरमेलन वगैरह होता है, इस टाइप का प्रोडक्ट अगर आप यूज करते हो, ठीक है, तो क्या होता है कि आपकी स्किन काफी ज्यादा
मॉइस्चराइज रहती है, नरिशमेंट काफी अच्छा मिलता है गाइस, ठीक है। काफी ठंडा ठंडा आपको लगता है आपके फेस के ऊपर और पिंपल्स की समस्या खत्म हो जाती है या फिर कहो तो नहीं निकलती है। तो मैं यहाँ पे पपाया का क्रीम लगा रही हूँ, इससे क्या होगा अगर आपके कोई भी डार्क स्पॉट है उसको भी ये लाइट करने में हेल्प करता है। और लगाते ही आप देख सकते हैं थोड़ा सा ग्लो ये आपको प्रोवाइड करता है। आप चाहो तो इसको डेली रूटीन में भी आप डे क्रीम की तरह आप लगा सकते हैं गाइज। देन यहाँ पे मैं दो मिनट के लिए मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे कलर बार का ये मेरा न्यू कलर बार का मेरा न्यू ब्यूटी ब्लेंडर है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे स्पंज को मैं पानी में डाल के मैं रख दूंगी दो मिनट के लिए, ठीक है। तब तक मैं यहाँ पे प्राइमर लगाऊंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, थोड़ा सा आपको ब्यूटी ब्लेंडर को हल्का सा पानी में डाल के छोड़ा करो ताकि अच्छे से वो अंदर से पूरा गीला हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं कलर बार का प्राइमर ले रही हूँ, ये पोरलेस प्राइमर है, मैट फिनिश आपको देता है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो इसको ट्राई कर सकते हो। जो भी मैं प्रोडक्ट इसमें यूज कर रही हूँ, अगर आप इनमें से कुछ भी लेना चाहते हैं तो मैं लिंक डाल दूंगी, प्लीज वहां से आप जाके परचेज कर लेना, ठीक है गाइस। दो मिनट वेट करने के बाद यहाँ पे मैं, ये है मेरा NYB का न्यू परचेज है, मेरा फाउंडेशन है, ये भी मैट फिनिश देता है। पहले तो ये खुल के, मतलब क्या मैं बोलूँ, ये निकल ही नहीं रहा था यार, मुझको लगा कि इसमें वो होगा, क्या बोलते हैं वो उसको क्या बोलते हैं यार, जो जिससे ऑयल हम लोग निकालते हैं वो होगा इसमें, बट ये नहीं था। इसको ऐसे ही आपको निकालना पड़ेगा। तो पता नहीं शायद ये न्यू है इस वजह से ये शायद नीचे बैठा हुआ था, ठीक है। लेकिन जब इसको मैं ऐसे डैप करके मैं हैंड पे कर रही थी तो फिर ये अच्छे से फिर निकल गया था। फिर मैं इसको पढ़ रही थी कि यार इसमें क्या, कहीं मैं कहीं गिरा तो नहीं दी हूं उसमें जो निकालने वाला होता है, बट नहीं, ये आपको ऐसे ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये शायद न्यू है इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, बट मैं जब इसको फिर से मैं ऐसे की तो ये प्रोडक्ट निकल गया मेरा। तो पहले तो मैं सोची कि यार मैं क्या परचेज कर ली हूं, मतलब फिर जब मैं लगाई फाउंडेशन को तो मैं क्या बताऊं, मैं शॉक्ड इस वजह से थी क्योंकि इसका जो लुक आया था बहुत ही ज्यादा फ्लॉलेस लुक था यार। अभी आप देखना मैं ब्लेंड करूंगी तो देन यहाँ पे मैं इनसाइड का थोड़ा सा कॉन्टोर कर रही हूँ, हल्का हल्का ही कॉन्टोरिंग कर रही हूँ क्योंकि मेरे फेस अभी थोड़े से पतले हो गए हैं क्योंकि मैं थोड़ा सा वेट अपना कम की हूं, ठीक है। तो इस वजह से फेस भी थोड़े से छोटे हो गए हैं, तो ज्यादा कंट्रोलिंग की मुझको जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्यूटी ब्लेंडर से मैं अच्छे तरीके से इस तरह से गीला करके स्पंज को मैं फिर अच्छे से इसको स्क्वीज करके पूरा पानी को मैं निकाल दूंगी। इस तरीके से ही आपको ब्यूटी ब्लेंडर को यूज करना है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डैप करके लगा रही हूँ सारा जो भी है सबको लेते हुए, कॉन्टोरिंग को साइड से, उसके बाद फाउंडेशन को अच्छे तरीके से ब्लेंड करूंगी। और आप देखना लुक, देखना आप देख सकते हैं कितना ज्यादा लुक अच्छा आया है, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आपने मतलब कोई अच्छा सा मेकअप कर रखा है। आप देख सकते हो कितना ज्यादा ग्लो कर रहा है फेस, और ये फाउंडेशन काफी ज्यादा अच्छा है यार। प्लीज अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो भी आप इसको परचेज कर सकते हो गाइस, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा अच्छा फाउंडेशन मुझको लगा, NYB का फाउंडेशन है ये, ठीक है। देख सकते हैं आप कितना अच्छा ग्लो ये आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो मुझको ये मतलब बहुत अच्छा लगा, ये मेरा फर्स्ट यूज है और ये मेरा फर्स्ट ट्राई है NYB का, ये मेरा फर्स्ट, मैंने इसको पहली बार यूज किया गाइस, ठीक है। इससे पहले मैंने इसका फाउंडेशन यूज नहीं किया था। तो आप देख सकते हैं कितना ग्लो कर रहा है मेरा फेस, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप अगर आप फेशियल ऑयल लगाते हो ना उसके बाद आप फाउंडेशन लगाते हो, मैं आपको बताई ना कि फेस काफी ग्लो करता है, तो आप ट्राई जरूर से करना। देन यहाँ पे मैं कंसीलर यूज कर रही हूँ, थोड़ा सा NYB का ही कंसीलर है ये, हल्का हल्का सा, जहां पे मुझको लगता है कि थोड़ा सा हल्का डार्क एरिया है वहां पे मैं यहाँ पे NYB का कंसीलर लेकर के थोड़ा सा इसको मैं ब्लेंड कर ले रही हूँ ताकि थोड़ा सा एरिया हाईलाइट हो जाए। अगर आपका जहां पे भी डार्क एरिया है वहां पे आप इसको हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं देन ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ही इसको पूरे अच्छे तरीके से ब्लेंड करके इसको मैं सेट कर दूंगी, ठीक है। तो ये भी काफी अच्छा ब्यूटी ब्लेंडर है, कलर बार का ब्यूटी ब्लेंडर है ये, लेना चाहते हो तो ले लेना, मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे मैंने सेट कर लिया है। देन यहाँ पे ये मेरा कॉम्पैक्ट है NYB का, सारा मेरा न्यू परचेज ही है और ये काफी मैट फिनिश दे रहा है, आप देख लो। तो ऑयली स्किन है तो इसके साथ आप जा सकते हो, काफी मैट फिनिश आपको ये देगा, यू कैन सी डिफरेंस, तो काफी मैटिफाई कर देता है आपके फेस को। तो अगर आपके ज्यादा ऑयल आते हैं आपके फेस के ऊपर तो ये आपको काफी कंट्रोल करेगा। तो इस तरीके से मैंने पूरे फेस को सेट कर लिया है कॉम्पैक्ट की हेल्प से। काफी अच्छा कॉम्पैक्ट है ये, आप देख सकते हो बहुत ही ज्यादा मैट आपको लुक देता है ये।
देख सकते हैं कितना ज्यादा मेरा फेस जो भी है मैट हो चुका है। देन यहाँ पे मैं आई मेकअप करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मेरा लहंगा है रेड ग्रीन येलो के कॉम्बिनेशन में है, तो मैं सोची कि रेड और ग्रीन का ही आई मेकअप लुक किया जाए। तो यहाँ पे मैं क्रीज साइड में लेकर के और इनर पूरा मतलब आउटर जो एरिया होता है उसको मैं स्मज कर रही हूँ लाइट हाथों से ही आपको करना है। बाय द वे ये मेरा पूना स्टोर का है ब्रशेस, मैंने न्यू परचेज किया है। इसका वीडियो भी आएगा फुल इस वीडियो के बाद गाइस, ठीक है। तो ये मेरा काफी अच्छा पूना स्टोर का ब्रशेस, मुझे काफी अच्छे लगे, तो बिगनर हो तो इसको ट्रायल कर सकते हो। तो इस तरह से मैं आउटर लिड पे अच्छे तरीके से पहले रेड कलर को प्लेस कर रही हूँ, क्योंकि ग्रीन हो जाता है डार्क कलर, तो ये रेड जो है वो ज्यादा भी रेड नहीं था, थोड़ा सा ब्रिक रेड टाइप का था। तो यहाँ पे मैं ग्रीन कलर लेकर के उसी पैलेट में से और मैं फिर आउटर जो भी फ्रंट लीड होता है उस पर मैं अच्छे से प्लेस कर रही हूँ। यू कैन सी काफी लाइट है, ज्यादा हार्ड मतलब ज्यादा वो कलर नहीं है, ठीक है, लाइट कलर है, तो लाइट ग्रीन मैंने लिया है, ठीक है। अभी मैं डार्क ग्रीन भी फिर उठाऊंगी, देन इसमें से मैं फिर से हल्का सा रेड कलर लेके और फिर से साइड से मैं उसको वो कर रही हूँ, ठीक है। रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन जो आप लगा रहे हो वो आपको दिखना चाहिए। कोशिश क्या करो कि अगर आपको दो आई शैडो लुक क्रिएट करना है, लाइक दो कलर से खेलना है ना, तो दोनों कलर पॉपअप होकर दिखना चाहिए गाइस, ठीक है। तो एक कलर को ज्यादा दिखाया करो जो आपका ड्रेस में वो है, ठीक है, कम एरिया जो ऑक्यूपाई कर रहा है। जैसे मेरा ग्रीन है जो कहीं कहीं ही मेरे थे, तो इस वजह से मैंने ग्रीन को ज्यादा वो हाईलाइट किया, ठीक है। उसके बाद मैं उसी पे से क्या की हूँ, ग्रीन हाईलाइटर लेकर के मैंने ऊपर से ब्लेंड कर दिया है, लाइक आउटर लिड पे पूरा मैंने प्लेस कर दिया है गाइस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं मिस रोज का ये मेरा दूसरा आई ग्लिटर पैलेट था, उसी में से मैं लेकर के पूरा आउटर लिड पे अच्छे से उसको प्लेस कर दी हूँ। ग्लिटर को कोशिश क्या करो हाथ से ही वो प्लेस करने का गाइस, क्योंकि क्या होता है ना कि फिर ब्रशेस से करते हो ना तो वो फिर बैठ जाता है वो, ठीक है, मतलब वो ब्रशेस में आधे रह जाते हैं। देन यहाँ पे मैं नीचे लोअर लाइन पे मैं रेड कलर लेकर के अच्छे से थोड़ा सा लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने दोनों जो भी है आंखों में मैंने कर लिया है आई मेकअप, आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मैं लगा रही थी आई, क्या बोलूं, मतलब मैं लगा रही थी बट मेरे को ओवर लगने लगा, ठीक है, मतलब मुझे ओवर लग रहा था, फिर मैं उसको हटा दी, मैं नहीं लगाई, ठीक है, आई लैशेस मैं नहीं लगाई यार, क्योंकि सच में यार व्हाट सावित्री पूजा में मुझे नहीं लगता है कि यार इतना भी आई लैशेस करके वो होना चाहिए। तो मुझे पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि रियल ही दिखाओ यार, क्योंकि लोग सच में नहीं करते हैं यार। सच बताना यार, क्या आप लोग करते हो व्हाट सावित्री पूजा, अगर है तो यार नहीं होता है, मतलब नहीं करते हो, मुझे पता है। मैं सोची क्यों ना इसको रियल ही रखा जाए वीडियो को, तो इस वजह से मैं फिर हटा दी उसको, ठीक है। देन यहाँ पे मैं आईब्रो को फिल की थी वेट एंड वाइल्ड के आईब्रो किट से। उसके बाद मैं यहाँ पे सिवाना का पैलेट में थोड़ा सा ब्लश कर रही हूँ साइड साइड से, नेचुरल सा ही लुक मैं रखी हूँ, कोरल सा पिंक शेड उठा करके मैंने ब्लश किया है, लगाया है। उसके बाद ये काफी अच्छा हाइलाइटर है, ठीक है। इस तरीके से मैं नोज को साइड चिक पे आईब्रो के पास, ठीक है, पूरी जगह पे आपको इस तरीके से जहां भी आप हाईलाइट करना चाहते हो आप कर सकते हो। ये भी मेरा पूना स्टोर का सेट का ही ब्रशेस है, काफी अच्छा है यार। तो ये देख सकते हो आप, मैंने नेचुरल सा ही सारा कुछ मैंने लुक क्रिएट किया है गाइज, कोई ऐसा हैवी भी नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसी वजह से मैं आई लैशेस को हटा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पिंक कलर का पहले लिपस्टिक लगाया है, उसके बाद यहाँ पे मैं मिलानी का लिपस्टिक लगा रही हूँ, ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, ठीक है। जैसा कि आप सबको पता होगा, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि ये ब्राइडल लिपस्टिक है यार, काफी अच्छा लिपस्टिक है, तो इसको मैं लगा रही हूँ। आप ना लिक्विड लिपस्टिक लगाने से पहले कोई भी उसी कलर का क्रीम वाला लिपस्टिक लगाया करो, लाइक बुलेट लिपस्टिक लगाया करो, ठीक है। उसके बाद लिक्विड लिपस्टिक लगाओगे ना, काफी अच्छा लुक आपको आएगा, लाइक ड्राई आपके लिप नहीं रहेंगे गाइस, ठीक है। तो मैं ऐसा ही करती हूँ हमेशा, मैं पहले लिक्विड लिपस्टिक लगाने से पहले मैं हमेशा जो भी है बुलेट लिपस्टिक लगाती हूँ गाइस। उसके बाद ये मेरा सेटिंग स्प्रे था, बिल्कुल सेट किया करो अपने फेस को गाइस। तो ये था मेरा आई थिंक स्विस ब्यूटी का सेटिंग स्प्रे है, मेरा न्यू परचेज है ये। इस तरीके से आपको फिर सेट कर देना है पूरे मेकअप फिक्सर को, ठीक है, ताकि आपका मेकअप बिल्कुल भी इधर उधर ना जाए, ठीक है, बिल्कुल भी इधर उधर ना हो गाइज। यहाँ पे मैंने चूड़ियां पहन ली है अपने कलाई में और बिंदी मैंने लगा लिया है और जूड़ा मैंने एकदम सिंपल बनाया है, आप देख सकते हैं। फ्रंट में मैंने मांग को वो किया है, पीछे मैं एक पौनी बनाऊंगी, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे ऐसे भी रख सकते हो बाल इस तरीके से, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे पीछे जूड़ा बना रही हूँ, आप देख सकते हो इस तरीके से करके आपको, और जूड़ा पिन से आपको सिक्योर कर देना। इससे क्या होगा कि आप इस पे अगर आप मांग जो भी दुपट्टा होता है वो आप रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ये मेरा
सगाई का ही मेरा ये खुद का वो है फ्लावर है, ठीक है। तो मैंने परचेज किया था, मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मैंने इसको सेट किया है, ठीक है। ये सब चीज ऐसा है ना गाइस कि आप कभी भी इसको कर सकते हो, तो ये सब अपने पास रखा करो, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं मैंने सिंदूर लगा लिया है, कैसा लग रहा है लुक प्लीज बताइएगा। बहुत ही नेचुरल है ये, कोई वो नहीं है गाइज, ठीक है। मैंने बहुत ही सिंपल और नेचुरल रखने की कोशिश की है ताकि आप लोग भी इस तरह से लुक क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मैं ज्वेलरी पहन रही हूँ, ये भी बहुत ही सुंदर ज्वेलरी है, फ्लिपकार्ट से मैंने परचेज किया था सिर्फ और सिर्फ यही लुक क्रिएट करने के लिए गाइज। मुझे ये ज्वेलरी बहुत ज्यादा पसंद आया, तो इसमें मांग टीका भी था बट मैंने नहीं लगाया मांग टीका क्योंकि काफी हैवी हो जा रहा था गाइज, तो मुझे सिंदूर दिखाना था यार, ठीक है। तो इस वजह से मैंने मांग टीका को हटा दिया, सिर्फ यही मैं लगाई हूँ, ठीक है। ये है मेरा फाइनल लुक, कैसा लगा आप सबको प्लीज बताइएगा कमेंट करके गाइज। ओके, तो फिर वीडियो को एंजॉय अगर किए हो, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और इस तरह से आप लुक क्रिएट प्लीज क्रिएट करना गाइज। बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है, बहुत ही सिंपल है, कोई भी कर सकता है, कोई हार्ड रूल नहीं है गाइज, प्लीज करना जरूर। ओके गाइज, हे गाइज, आई होप आपको मेरा ये लुक पसंद आया होगा, तो वीडियो को प्लीज लाइक। क्या मतलब भैया, बंद करो, इसमें आ गया। हे गाइज, आई होप कि आपको मेरा ये लुक पसंद आया होगा, तो इस तरह से आप भी लुक क्रिएट कर सकते हो। तो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और फॉरवर्ड करना फैमिली फ्रेंड्स में। तो मिलते हैं बहुत जल्द दोस्तों।